हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हिंदूवादी संगठन अब आपस में ही तलवारें भांज रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने फरुखाबाद में वंदे मातरम यात्रा के बहाने एक बार फिर राम मंदिर निर्माण के लिए हुंकार भरी है। हिंदू महासभा ने बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर हिंदू समाज को धोखा देने का आरोप लगाया है। इन नेताओं ने कहा कि हमें बीजेपी से राम मंदिर की भीख नहीं चाहिए। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांत वर्मा ने ऐलान किया कि यदि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम उसी तरह राम मंदिर का निर्माण भी करा देंगे जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद गिराई थी। महासभा ने बीजेपी से पूछा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो 1400 करोड़ रुपए जमा हुए थे वो कहाँ हैं? राम मंदिर निर्माण के लिए फिर 92 जैसी अंगड़ाई। हिंदू महासभा ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांत वर्मा ने दी चेतावनी। अगर कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो वैसे ही मंदिर बनाएंगे जैसे बाबरी मस्जिद गिराई थी। पूछा कहां गए जमा हुए 1400 करोड़ रुपए। राम मंदिर निर्माण को लेकर संत समाज और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के सब्र का बांध टूट रहा है। यही वजह है ये लोग बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। फरुखाबाद में हिंदू महासभा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वंदे मातरम यात्रा निकालकर राम मंदिर निर्माण के माहौल को और गर्मा दिया है। विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के नेता इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्तेजक गीत बजे और नारे लगे। हिंदू महासभा के नेताओं ने साफ कहा कि अब गौहत्या और राम मंदिर निर्माण को लेकर बहाना नहीं चलेगा और सच्चाई जनता को बतानी पड़ेगी कि गौहत्या क्यों नहीं रुक रही और राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने पूछा कि राम मंदिर के लिए जो 1400 करोड़ रुपया एकत्रित किया गया था वो कहाँ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर धोखा दिया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमने राम मंदिर मुद्दे पर हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है, लेकिन जिस दिन धर्म गुरुओं ने आवाज उठाई उस दिन सब धरा रह जाएगा। वहीं शंकराचार्य श्री अमृतानंद देव तीर्थ ने अपील की कि राजनीतिक पार्टियां भगवान राम का उपयोग राजनीति के लिए ना करके राजनीति का उपयोग राम के लिए करें, तभी देश की अस्मिता सुरक्षित रहेगी और राम मंदिर बनेगा। सरकारें बनवा दी, किसी सरकार ने अब तक राम मंदिर नहीं बनवाया। भगवान राम का उपयोग राजनीति के लिए ना करके राजनीति का उपयोग राम के लिए करें, मंदिर तुरंत बन जाएगा। वही महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांत वर्मा ने एक तरह से धमकी देते हुए कहा कि यदि 29 जनवरी को कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद गिराई थी उसी तरह मंदिर का निर्माण भी कराएंगे। हमारा संगठन तो शुरू से ही न्यायालय पर विश्वास किया है, लेकिन अब अगर 29 तारीख को न्यायालय अपना निर्णय हमारे पक्ष में नहीं देता है, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं देता है, तो निश्चित रूप से हमने जिस तरह से बाबरी की ईंट गिराई है उसी तरह से हम राम मंदिर का निर्माण भी कराएंगे, ये निश्चित है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी पर विश्वास करने वाले नहीं है और ना ही हम बीजेपी से मंदिर की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मंदिर के नाम पर जनता के साथ धोखा किया है। जिस मुद्दे पर ये सरकार में आए उस मुद्दे को ही किनारे कर दिया, साथ ही वो हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और हम बीजेपी पर विश्वास करने वाले नहीं है, नहीं मुझे बीजेपी से भीख चाहिए। बीजेपी राम मंदिर बनवाए न बनावे, न्यायालय पर हमको भरोसा है। 29 तारीख की हम इंतजारी कर रहे हैं। चीटिंग की है बीजेपी, तो शुरू से चीटिंग करती चली आई है।
जिस राम मंदिर के नाम पर वह सत्ता में आई है, दो सीट से इतनी सीटें पा गई है, उस राम मंदिर के मुद्दे को किनारे करके हिंदुओं को ही लड़ाने का कार्य कर रही है। तो बीजेपी तो शुरू से चीटिंग का कार्य कर रही है, हम इसको विश्वास नहीं कर सकते। एकमात्र हिंदू महासभा है जो देश में और विदेश में हिंदुत्व का परचम लहराने का कार्य करेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं। राम मंदिर मुद्दे पर संत समाज और हिंदूवादी संगठन बीजेपी और केंद्र सरकार के रवैये से नाराज है और लगातार चेतावनी दे रहे हैं। अब ये संगठन महज अपनी खाल छिपाने के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और उसे बंदर घुड़की दे रहे हैं। क्या वाकई वो राम मंदिर निर्माण को लेकर गंभीर है, ये तो वही जाने। फर्रुखाबाद से समाचार प्लस के लिए अनिल वर्मा शेखर की रिपोर्ट।